दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक बॉली पर। जा दोस्तों, साल 2022 की सबसे बड़ी फिल्म, और साल 2022 की नहीं बल्कि इंडियन इतिहास की आप इसको सबसे बड़ी फिल्म कह सकते हैं। ऐसे सुराजा मौली की मच अवेटेड फिल्म ट्रिपल आर सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और फिल्म की एडवांस बुकिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। यहां पे फिल्म ने बाहुबली 2 को भी पीछे छोड़ दिया है, और ट्रिपल आर का जो फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने वाला है वो हैरान कर देने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आर की एडवांस बुकिंग के बारे में, फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी एक दिल से इंतजार कर रहे हैं ट्रिपल आर का फिल्म के रिलीज होने का, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात की जाए ट्रिपल आर की, तो दोस्तों फैंस इस फिल्म का काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। जूनियर एनटीआर, रामचरण, अजय देवगन, आलिया भट्ट फिल्म में हमें नजर आने वाले हैं, और ऐसे सुराजा मौली की यह फिल्म लगभग 400 करोड़ रुपए के बजट में बनी है। अगर दोस्तों मैं बात करूं एडवांस बुकिंग की, तो तेलुगु में फिल्म ने 14 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की एडवांस बुकिंग कर ली है। फिल्म को हिंदी में भी तगड़ा रिस्पांस मिल रहा है, और फिल्म को हिंदी जो फिल्म की हिंदी में एडवांस बुकिंग हुई है दोस्तों, वो लगभग 2.5 करोड़ रुपए की हो चुकी है। इसके अलावा तमिल में भी फिल्म ने 1 करोड़ से ज्यादा की एडवांस बुकिंग कर ली है, और यहां पे सिर्फ इंडिया में अभी तक फिल्म का जो फर्स्ट डे कलेक्शन है, मतलब फर्स्ट डे के लिए जो एडवांस बुकिंग हुई है, वो अभी तक लगभग 19 करोड़ रुपए की हो चुकी है। हैदराबाद और तेलंगाना में फिल्म ने सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। हैदराबाद में फिल्म ने सिर्फ 9 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो अभी तक किसी भी फिल्म की हैदराबाद में इतनी एडवांस बुकिंग नहीं हुई थी। 9 करोड़ रुपए सिर्फ हैदराबाद में फिल्म की एडवांस बुकिंग है। तो यहां पे ओवरसीज की अगर हम बात करें, तो ओवरसीज से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मतलब तेलुगु में आप कह सकते हैं कि फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा वो लगभग 55 से 60 करोड़ रुपए होगा। वहीं हिंदी में भी ये फिल्म लगभग 18 से 20 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली है अपने पहले दिन, क्योंकि ये जो RR फिल्म है इसको 10,000 से भी ज्यादा स्क्रीनों पर रिलीज किया जाना है। यहां पे अगर बात करें फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो यहां पे 130 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड में फिल्म, और ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी फिल्म के लिए। अगर 130 से 140 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले लेती है, उसके बाद अगर फिल्म को अच्छे रिव्यू मिलते हैं, दर्शकों को फिल्म पसंद आती है, तो वाकई फिल्म बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ देगी और दंगल का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी, और फिल्म का जो कलेक्शन लाइफ टाइम होगा वो 2,000 करोड़ के भी पार होगा। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा।